एमडी साहब, एमडी साहब मैं इसमें एक बात रखना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ रामनगर में सब स्टेशन स्वीकृत है, टेंडर हो गया है, लेकिन ठेकेदार काम नहीं शुरू कर रहा है। अगर ये रामनगर का ही सब स्टेशन हमारा बन गया होता अब तक, तो मैं समझता हूँ कि ये दिक्कत ही नहीं आती, सिंघरामऊ का लोड ही कम हो जाता। सबसे बड़ी बात, टेंडर हो गया, ठेकेदार नियुक्त हो गया, काम नहीं हो पा रहा है। मुकेश गर्ग, रामनगर वाला जानकारी है? रामनगर वाले सर, सेकेंडरी वर्क ने टेंडर वगैरह करके एलवाई कर दिया है सर। मैं उसे सेकेंडरी वर्क से मॉनिटर करता हूँ कि जल्दी वहाँ काम स्टार्ट करें सर। आप मतलब पूरी जानकारी नहीं है आपको? नहीं, इसी 24-25 में सैंक्शन हुआ है ना सर। अच्छा, 24-25 में सेंसर हुआ है, तो ये तो विधायक जी अभी चुनाव के बाद ही तो ये सब प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अभी तो उसमें टाइम लगेगा जो है। हाँ, लेकिन जब टेंडर हो गया है तो उसको काम तो शुरू हो जाना चाहिए था एमडी साहब। जैसे टेंडर शुरू हो गया है, अब वो अपना एग्रीमेंट करके जो है काम शुरू कराएगा जो है, तो उसमें अभी मतलब जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से वो विलंब में नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि तेजी से वो शुरू हो जाए। आपका कहना सही है। जैसे एमडी साहब, ये जो अभी तात्कालिक समाधान है, वैसे मैं ये कह रहा था ना, समाधान तो मुकेश जी तय कर लीजिए जो है, विधायक जी के पास जो है अभी सामने हो जाए कि ये हम समाधान करेंगे, तो क्या क्या समाधान निकला कुल मिला के? सर, समाधान ये है कि जो महाराज इनका विधायक जी बतला रहे हैं वो हमने क्षमता वृद्धि तो कर दी है। मैं उसकी वो देख लेता हूँ कि जो राजा बाजार फीडर बतला रहे हैं विधायक जी, उसका क्या परेशानी है, क्या हम वहाँ पे, मुझे लगता था कि मुझे रिपोर्ट मिली थी सर, क्या महाराज का एक्सीडेंट नहीं है क्या यहाँ पे महाराज फीडर का? रमेश चंद्रा जुड़े हैं सब? रमेश चंद्रा मोहन लिए हुए हो क्या? रमेश चंद्रा, समीर, महाराजगंज में कोई दिक्कत आप है क्या? जब आपका टेनमी लग जाएगा तो आपके फीडर का, जैसे विधायक जी बतला रहे हैं राजा बाजार का, उसका प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है राजा बाजार में? राजा बाजार प्रॉब्लम सर सॉल्व हो जाएगी। वो एक टेनम के जो था ट्रांसफार्मर, उसपे चल रहे थे तब, तो उसपे करीब जो है 800 एम्पियर लोड जाता था, और जो अब क्षमता वृद्धि हो गई तो लोड हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे टेनएमबीए पे, तो सर उससे हल हो जाएगा ना फिर, अब कोई दिक्कत नहीं है टेनएमबीए आने के बाद? जी जी सर। विधायक जी 2-3 दिन देखिए, माननीय विधायक जी 2-3 दिन इसमें देख लीजिए, टेनएमबीए हम चार्ज करके इसमें लोड ले लें, फिर अगर कोई समस्या रहे। ये रमेश चंद्रा, आप माननीय विधायक जी को ब्रीफ नहीं करते हैं ये सब समस्या का हल जो होता है आपका? आप जाके जो एक बार बताइए ना सर। सर, अच्छा एमडी साहब, मैं एक चीज कर रहा हूँ सिंघरामऊ के लिए, आपकी योजना के बारे में पूरी बताइए और सारी चीजें, वो समस्या माननीय विधायक जी से लीजिए जो है, ये सब नहीं किया आपने? मिले थे सर, मुलाकात हुई थी और नोट किया था सर, तो ये ट्रांसफार्मर आ गया सर, आज लग गया है। नहीं, सिंघरामऊ के लिए क्या होगा? अभी मुलाकात करिए, कभी फोन पे बता दीजिए जो है चीजें। एमडी साहब, ये सिंघरामऊ का कैसे उपाय निकालेंगे, सोल्यूशन क्या है सिंघरामऊ का? थोड़ा सिंघरामऊ का बताइए मुकेश। सिंघरामऊ का सर, मैं देखता हूँ 380 एम्पियर जो फीडर पे जा रहा है, तो आसपास पूरा सर्वे करवा के जो भी देखना सुनना है आज ही देख के समाधान बताइए हमें जो है। ये 3-4 दिन से आपके जेब में पड़ी हुई है ये समस्या। हाँ, ठीक कह रहे हैं सर। एरिया में है जी विधायक जी, नरेश हमारे एरिया में है, नरेश के सर मेरे एरिया में, मैं अभी उसको देखता हूँ और फिर माननीय विधायक जी से बात कर लेता हूँ सर। आज समाधान कराइए, जो भी उसका हल है, 24 घंटे हल है, जो भी कुछ भी जो भी हल है आज उसका होना है हल। सर हल होना है, राइट सर? जी जी, ठीक। अच्छा एमडी साहब, तो विधायक जी फिर बाकी ये दोनों एसी साहब और हमारे जो एक्सीएल साहब हैं, ये आपसे संपर्क बना के इसका समाधान करा लेंगे। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद एमडी साहब, आज आपने सभी अधिकारियों को जोड़ करके एक उपाय निकाला, कैसे हम जो है बिजली की व्यवस्था जो है माने कर सकते हैं, बाधित ना हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस एक चीज ये मेरा कहना था कि रामनगर और बाबूगंज दो सब स्टेशन आप किसी भी कीमत पे चालू करवा दीजिए, जिससे सारी समस्या दिक्कत खत्म हो जाए। उसका जो भी लाभ मिलेगा इस गर्मी के बाद ही, इस सीजन के बाद ही मिल पाएगा। नहीं, कोई बात नहीं। और एक सिंघरामऊ में ट्रांसफार्मर अपग्रेड हुआ है। मुकेश गर्ग, ये दोनों जगह का जो काम शुरू है, तो एक बार जो है काम शुरू के समय विधायक जी को मौके पे बुला लीजिएगा ना। हाँ, रामनगर का सर पास है, रामनगर का काम चालू हो जाएगा, जो विधायक जी दूसरा कह रहे हैं सर वो देखो, जब काम चालू हो तो एक बार जो है विधायक जी को बुला लीजिए जो है, इनको भी वस्तु स्थिति से जानकारी रहेगी कि तेजी से आगे बढ़ गए हैं काम, विधायक है ना, शुरुआत करानी है सर। एमडी साहब, बाबूगंज वाली फाइल जो है शासन में पड़ी हुई है, एक बार आप परसू कर देंगे तो हो जाएगा।
बाबूगंज की, रामनगर की फाइल नहीं, बाबूगंज 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 ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे। मुकेश गर्ग शासन में किस सिलसिले में वहां पे है जरा पता करके हमें बताइए। और दूसरा एमडी साहब, एमडी साहब जी, दूसरा ये कहना था सिंघरा मऊ का भी ट्रांसफार्मर 10 MVA का स्वीकृत हुआ है, उसको भिजवा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी अभी उसका शाम तक में हम लोग 24 घंटे से समाधान हो रहा है या ट्रांसफार्मर से हो रहा है उसको हम देख लेंगे। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार 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 नमस्कार।